आखिर क्यों कहा पुतिन ने इसराइल को सॉरी। दरअसल कुछ दिन पहले रशिया के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव ने काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था, जिसमें कि उन्होंने कहा कि यूक्रेन हिटलर को फॉलो करता है और वो नाजी फाय है। साथ ही ज्यूइश को ही ज्यूइश का किलर बोल दिया और इस स्टेटमेंट से इसराइल काफी ज्यादा भड़क चुका था। और जब इसराइल ने रशिया के इस स्टेटमेंट का विरोध किया तो रशिया के विदेश मंत्री ने भड़क कर और भी ज्यादा भड़कीला स्टेटमेंट दे दिया, जिसमे की उन्होंने इसराइल को भी नाजी फाय कह दिया। जिसके बाद इसराइल काफी ज्यादा भड़क गया और उसने ठान लिया की अब वो यूक्रेन को रशिया के खिलाफ हथियार से भी मदद करेगा, जो शायद भारत और रशिया के लिए काफी खतरनाक हो सकता था, क्योंकि दो फ्रेंडली कंट्री के बीच न्यूट्रल रह पाना भारत के लिए भी काफी मुश्किल हो जाता। पर इसी बीच पुतिन ने मामला संभालकर इसराइल से पर्सनल लेवल पर सॉरी कहा, जिसके बाद इसराइल अब काफी हद तक शांत हो चुका है और साथ ही ये तीनों फ्रेंडली कंट्री के लिए काफी खुशी की बात है।